Hi guys, I am Pradeep. Today I will discuss about the geometrical dimensioning and tolerancing. I am making the PPT, that is all the dimension and symbols are given, and what are the symbols and the characteristics. So let us start now. This is the geometric dimensioning and tolerancing. As per the ANSI, Y14.5 is a system of symbols developed to define the parts, shapes, features, forms, and orientations, and runout, and profile, and locations. It is all the GD&T are classified into five types. First is a part shape feature form and orientation. Fourth is runout and profile and locations. It is the best on the functions and the interrelationship of mapping the features while the keeping in the mind and manufacturing and inspection capabilities. First, geometrical characteristics symbols. And first, it is classified into five categories, that is the forms, profiles, orientations, runout, and locations. In form, that is the four GD&T, that is the flatness, straightness, and circularity, and cylindricity. And circularity, that is the roundness, is same to circularity. Firstly, second column is material condition symbols allowed, and in each GD&T the material condition is allowed or not allowed. I am given the introductions about this. And third features is datum reference allowed. In जैसे कि flatness में आपको datum की requirement है या नहीं है, ये वाला कलम बताता है, ये बताएगा आपको कि ये इसमें आपको जो डेटम रिक्वायरमेंट होता है नहीं होता है। इससे फ्लैटनेस की केस में कि मटेरियल कंडीशन, जैसे आपकी मटेरियल कंडीशन M, मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन एंड लीस्ट मटेरियल कंडीशन, ये कुछ चाहिए या नहीं चाहिए, अलाउड है नहीं है, तो ये बताता है कि नहीं चाहिए, कि नहीं अलाउड नहीं है उसको, ठीक है। और डेटम भी रिक्वायरमेंट नहीं है। स्ट्रेटनेस में भी मैक्सिमम और लिस्ट मटेरियल डिराइव मीडियम लाइन के लिए भी चाहिए और डिराइव मीडियम लेंथ के लिए भी चाहिए, और नॉन फॉर द सरफेस के लिए आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ठीक है। और डेटम बिल्कुल चाहिए नहीं इसमें स्ट्रेटनेस में। सर्कुलरिटी में और राउंडनेस में आपको ना आपको मैक्सिमम मटेरियल चाहिए या लिस्ट मटेरियल कंडीशन अप्लाइड होगा, और डेटम की रिक्वायरमेंट भी नहीं है इसमें। सिलेंडरसिटी में भी सेम कंडीशन है, इसमें नहीं चाहिए आपको डेटम और मेटेरियल कंडीशन भी नीचे। प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस में यहाँ पे ओनली नॉन फॉर द फीचर्स, ओनली फॉर द डेटम फीचर्स ऑफ साइज, ठीक है। एंड अलाउड बट नॉट रिक्वायर्ड, डेटम के अलाउड है बट नॉट रिक्वायर्ड। प्रोफाइल ऑफ ए लाइन में सेम एज द प्रोफाइल ऑफ ए सरफेस में चाहिए, अलाउड बट नॉट रिक्वायर्ड डेटम केस में। ओरिएंटेशन में आपके थ्री GD&T आएगा इसमें, पैरेललिज्म एंड परपेंडिकुलरिटी एंड एंगुलरिटी। पैरेललिज्म केस में मैक्सिमम के और लिस्ट मटेरियल कंडीशंस अलाउड रहेगा और डेटम फीचर ऑफ साइज भी रहेगा, ठीक है। और इसी केस में डेटम में रिक्वायर्ड रहेगा 100% पैरेललिज्म, क्योंकि ये जो चेक होता है कि किसका रिस्पेक्ट में पैरेललिज्म हम चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डेटम की रिक्वायरमेंट रहेगी। परपेंडिकुलरिटी में मैक्सिमम और लिस्ट मटेरियल कंडीशन अलाउड रहेगा, एंड मैक्सिमम एंड लिस्ट अलाउड ऑफ डेटम फीचर साइज में भी रहेगा। यहाँ पे भी कोई डेटम रेफरेंस नीडेड है उसकी ज़रूरत है। एंड एंगुलरिटी, क्योंकि परपेंडिकुलरिटी सेम अपोजिट रेस्पेक्ट में भी चेक होता है, ये जैसे पैरेललिज्म का कोई प्लेन चाहिए तो इस तरह ये भी आपको रिक्वायरमेंट रहती है, तो किस तरह आपको चेक करोगे। एंगुलरिटी में
आपकी मैक्सिमम लिस्ट मटेरियल कंडीशन अलाउड रहता है और मैक्सिमम लिस्ट अलाउड ऑफ द डेटम फीचर साइज भी रहेगा और डेटम की रिक्वायरमेंट रहती है। देन थर्ड जो क्लासिफाइड हुआ था कैरेक्टरिस्टिक को रनआउट में, तो टोटल रनआउट का सिंबल ये है एंड यहाँ पे मेटल कंडीशन अप्लाइड नहीं हो पाएगा, की जरूरत नहीं है यहाँ, एंड डेटम की रिक्वायरमेंट रहती है। सर्कुलर रनआउट में आपकी ये रिक्वायर्ड रहती है डेटम की, एंड यहाँ पे मेटेरियल और लिस्ट मेटेरियल कंडीशन रिक्वायर्ड नहीं होती। लोकेशन पोजीशन में आपकी मेटेरियल और लिस्ट मेटेरियल और एस कैटेगराइज्ड मेटेरियल कंडीशन भी रहता है, एंड डेटम रिक्वायर्ड एक्सेप्ट फॉर द फीचर टू ओनली फीचर फीचर टू फीचर्स ओनली सिचुएशन में जरूरत पड़ता है। ठीक है, पोजीशन देखना पड़ता है कौन सी फीचर में लगा रहे हैं। ठीक है, कॉन्सेंट्रिसिटी में आपकी डेटम मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होता है और डेटम का रिक्वायरमेंट रहती है। और सिमेट्री में मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन का अप्लाई सिंबल का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और इसमें डेटम की रिक्वायरमेंट रहती है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट सिंबल इज सम सिंबल्स आर गिवन दैट इज द आर्क लेंथ, द डायमेंशन पर जो आर्क की सिंबल लेता है दैट इज आर्क लेंथ। मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन दैट इज द एम की चारों साइड में सर्कल लगता है तो उसको हम मैक्सिमम मटेरियल कंडीशन बोलते हैं, और एल में जो सर्कल में देते हैं हम उसको लिस्ट मटेरियल कंडीशन बोलते हैं, और एस का जो सर्कल लगाते हैं उसको रिगार्डलेस ऑफ फीचर साइज बोलते हैं, एंड पी में प्रोजेक्टेड टॉलरेंस जोन बोलते हैं, और टीज में जो सर्कल लगाते हैं उसको टेंजेंट प्लेन बोलते हैं, और एफ में फिस्टेड बोलते हैं। ठीक है, रेफरेंस डायमेंशन दैट इज डायमेंशन दोनों साइड में हम जो ब्रैकेट लगाते हैं तो उसको रेफरेंस डायमेंशन बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल टॉलरेंस में हम इस तरह सिंबल में लिखते हैं इसको, डायमेंशन इज नॉट टू स्केल दैट इज द अंडरलाइन दे के उसको डायमेंशन को हम इस तरह लिख लेते हैं, और डाटम टारगेट को दिया जाता है कि डाटम कैसे चेक करोगे क्या टारगेट वैल्यू रहेगा, यहाँ पर डाटम वैल्यू वो आपको डाटम टारगेट देते हैं। एंड बेसिक डायमेंशन दैट इज द 102 गिवन एंड रेक्टेंगल में जो देते हैं, जैसे रेक्टेंगुलर में देते हैं कोई डायमेंशन को उसको बोलते हैं कि हम बेसिक डायमेंशन। एंड अदर सिम्बल्स द स्पॉट फेस ईयर काउंटर बोर दैट इज द सिम्बल्स, काउंटर सिंक दैट इज द दिस इज द सिंबल, एंड डेप्थ एंड डीप दिस इज द सिंबल, एंड टाइम्स एंड प्लेसेस एक्स इज डोनेटेड स्टेप ऑफ सिंबल देते हैं। स्क्वायर शेप में इसको स्क्वायर शेप वाला देते हैं, कोई है आपकी प्रोफाइल स्क्वायर में है तो स्क्वायर शेप देते हैं, ऑल राउंड प्रोफाइल में इस तरह हम सिंबल देते हैं, रेडियस में आर देते हैं, स्पेरिकल रेडियस एस आर बोलते हैं, कंट्रोल रेडियस में सी आर लिखते हैं, और डायमीटर में आपको सर्कल लगा के इसको क्रॉस में लाइन देते हैं, स्पेरिकल डायमीटर में एस और ये डायमीटर का सिंबल जो ऊपर लगा रखा है इस तरह लगते हैं, और बिटवीन सच इज द यहाँ से बिटवीन का सिंबल लेते हैं, और डायमेंशन ओरिजिन का ही सिंबल है, और सो स्लोप और फ्लैट टेपर का ही सिंबल है, और कोनिकल टेपर का ही सिंबल है। एडवांटेजेस क्या रहता है इसमें जीडीएनटी का, 57 मोर एरिया फॉर टॉलरेंस, 57% मोर एरिया ऑफ द टॉलरेंस मिल जाते हैं। रिपीटेबिलिटी ऑफ द पार्ट ओरिएंटेशन थ्रू द यूज ऑफ द डेटम फीचर्स, इजी कैलकुलेशन ऑफ द होस्ट मैटिंग कंडीशंस बाउंड्रीज, एंड यूज द ज्योमेट्रिक सिंबलाइज फॉर इजी फॉर पार्ट कॉम्बिनेशन, वन स्टैंडर्ड यूज्ड बाय ऑल हु क्रिएट एंड इंटरप्रेट द ड्राइंग, एंड इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द पार्ट। इसमें एक बेनिफिट ये होता है कि जो आपके क्रिएटर होते हैं ड्राइंग क्रिएट करते हैं उनको जो वेरिएबल नहीं मिलता है वन स्टैंडर्ड ब्लॉक में या फिर सेम डायमेंशन में, जो क्रिएट करेगा और जो पढ़ेगा उसको रीडेबल इजीली होगा, और जो उसको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए दोबारा भी देखेगा तो उसको इजीली वन टाइप ऑफ उसको अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। ओके,
नेक्स्ट जाएंगे बेसिक डायमेंशन। सरफेस ए पार्ट हैज ए सरफेस, दिस सरफेस आइदर अलोन और टाइम्स इन द कॉम्बिनेशन विथ वन अनदर कैन बी कॉल्ड फीचर्स। डेटम फीचर्स इट इज फॉर्म फीचर्स ऑफ एंड साइज एंड नॉट ऑफ साइज, द डेटम फीचर्स आर चूजन। डेटम डिराइव्ड फ्रॉम द डेटम फीचर्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे आर परफेक्ट एंड कैन ओनली सिमुलेटेड। डेटम फीचर्स सिमुलेटर्स आर द कॉमनली यूज टू कंस्ट्रक्ट ओरिजिन्स ऑफ मेजरमेंट फॉर द लोकेशंस ओरिएंटेशंस प्रोफाइल और रनआउट एग्जाम्पल सर्फेस प्लेट एंगल प्लेट एंड चॉक्स एंड मेटेरियल मशीन टेबल एटसेट्रा। दैट इज द बेसिक डायमेंशन। टॉलरेंस क्या होता है कि ए फीचर्स ऑफ साइज ऑफन नीड्स डिजायर्ड साइज एट डिजायर्ड टॉलरेंस ऑन नॉट दैट साइज ए डिजायर्ड लोकेशन ए टॉलरेंस ऑन दैट लोकेशन। मिलीमीटर टॉलरेंस दैट इज जीरो इज शोन विदाउट द डेसिमल पॉइंट इन एंड विदाउट प्लस आर माइनस साइन इन द मेट्रिक डायमेंशन। एंड बी इज द बाइलेटरल टॉलरेंस इक्वल नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर द बोथ ऑफ द प्लस माइनस डायरेक्शंस। दोनों साइड में प्लस माइनस डायरेक्शन जो होता है वो बाइलेटरल टॉलरेंस बोलते हैं उसको। एंड लिमिट टॉलरेंसिंग डायमेंशनिंग बोथ द डायमेंशन लिमिट एक्सट्रीम्स विल हैव एन इक्वल नंबर ऑफ द डेसिमल प्लस। एंगुलर यूनिट एंड डायमेंशनिंग यूज द सेम डेसिमल प्लेस फॉर द डायमेंशन इन टॉलरेंस एग्जाम्पल अदर देन द 90 डिग्री एंगल मोस्ट बी द स्पेसिफाइड, टॉलरेंस ऑन द 90 डिग्री मोस्ट बी द स्पेसिफाइड। गिव द जनरल नोट एट द अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड द टॉलरेंस ऑन ऑल द एंगल इज प्लस माइनस 1 डिग्री। स्पेसिफाई द परपेंडिकुलर टॉलरेंस इन द फीचर कंट्रोल फ्रेम। 90 डिग्री एंगल बिकम बिग basic when the surface or the feature of the size are the drawn at the 90 degree and are the defined by the basic dimensions. Radius, the numeric value of the radius is preceded by the letter r. And due to does not slow the radius too safe and a multiple radius with the same radius is given the number that is the x mein denote karte hain. Spherical radius designated by the SR and control radius is the new term of the ANSI 14.5 standard. It is more or less restrictive and the symbol is CR is used, means controlled one. Okay. Statical tolerance, it is the new concept of the GDNT. The square root of the sum of the square of the individual tolerance for the part manufactured by the SQC technique. Note, must be added that the feature are the statical tolerance with the symbol ST. If the tolerance is the statical geometry tolerance, the symbol is used in the feature control frame after the geometric tolerance and the modifier it is uses. When the tolerance and dimension apply before plating or coating, shall specify if the dimension apply before the plating or coating. ठीक है, ये जो टॉलरेंस आपकी अप्लाई होगा बिफोर द डायमेंशन को प्लेटिंग एंड कोटिंग से पहले होगा। अप्लाई एट द फ्री स्टेट एंड 20 डिग्री सी एंड 70 डिग्री एफ अनलेस द स्पेसिफाइड। सिंबल सर्कल एफ इन द फीचर्स कंट्रोल फ्रेम। ऑल द डायमेंशंस एंड टॉलरेंस अप्लाई ओनली एट द ड्रॉइंग लेवल which they are the shown. Example, the dimension requirements given at the details do not have to be note at the symbols, assembled drawings. Fits and allowances, fits matching the feature symbols. The clearance fit at the MNC of the shaft is subtracted from the MNC of the hole. The difference will always positive or zero. When it is the zero, it is the called the line fits and non-material interference. Example, the interference fit matching the features are the designated
within there the size limit as such that there is the always material interference between the two. Example, allowance as per the ANSI Y14.5 1973, the international difference between the minimum limit of the size of the mating part, it is the material clearance plus allowance or maximum interference minus the allowance between such parts. Maximum material conditions, feature condition contain most the material, smallest hole and largest shaft. NSI 14.5, the conditions in which a feature of the size contains the maximum amount of the material within the static limit of the size. Example, the minimum hole diameter and the maximum shaft diameter when the features is heaviest. Example, hole in the internal features at the MNC, they are the smallest allowable size. Example, in the feature control frame, MMC concept is the circled M is usually used for the mating features. List material conditions, the opposite of maximum material conditions. And this is the end feature control frame. Okay, how to read it? That is how to read it. That is, firstly, this is the diameter of the circle of a features. That is the position symbol is given here. Okay, and that is the M into diameter of 0.570 to 590. ये आपकी limit दिया गया है. ये position है. यहाँ से position के जो diameter value दिया गया है, इसका जो center point रहेगा, ये 0.20 का मैक्सिमम मेटेरियल कंडीशन में अलाउड रहेगा. और ये डाटम ए जो है, ठीक है, ये पहले क्लैंप होगा. उसके बाद बी डाटम कौन सी है, ये वाला फेस को, इसको भी क्लैंपिंग करेगा, ठीक है. उसके बाद आपकी चेकिंग रहेगी इस तरह से, पॉइंट जीरो टू पोजिशन टॉलरेंस में ये चेकआउट होगा, ठीक है. थैंक्स टू ऑल for watching my video. Please subscribe my channels. Thank you to all.